हेलो दोस्तों, मैं प्रगति। आप सभी का मेरे चैनल सरकारी सोर्स में स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आज 25 जुलाई की करंट अफेयर है ये, क्योंकि कल मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं बिजी थी। इसके लिए मैं आज आपके लिए 25 जुलाई का करंट अफेयर लेकर आई हूँ और साथ ही साथ आज ही आपको 26 जुलाई के करंट अफेयर की वीडियो भी मिल जाएगी। और ये वीडियो सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इसे देखिएगा। और चलिए, जैसे कि मैं हमेशा अपने वीडियो में एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तो मेरा आज का क्वेश्चन है कि पेन इंडिया पार्टनरशिप के तहत किस कंपनी ने हुवाई में के स्मार्टफोन बेचने के लिए करार किया है। ऑप्शन ए HTC, ऑप्शन का सैमसंग, ऑप्शन का माइक्रोमैक और ऑप्शन का शोवमी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर। 25 जुलाई के करंट अफेयर में आज का क्वेश्चन है, फॉर्च्यून ग्लोबल की टॉप 500 लिस्ट में भारत की कौन सी कंपनी सबसे ऊंची रैंकिंग वाली कंपनी बन गई है। ऑप्शन वन है TCS, टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज और महिंद्रा ग्रुप। इनमें से कौन सी कंपनी है जो सबसे ऊंची रैंकिंग वाली कंपनी बन गई है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। फॉर्च्यून ग्लोबल की टॉप 500 लिस्ट में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ऊंची रैंकिंग वाली कंपनी बन गई है। इस लिस्ट में IOC को पीछे छोड़कर रिलायंस इंडस्ट्रीज 106वें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि IOC 117वें स्थान पर है। वर्ष 2018 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की आमदनी बढ़कर $82.3 अरब पर पहुँच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से किस कंपनी ने भारतमाला परियोजना के लिए वर्ष 2024 तक 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो हैं LIC, खा रिलायंस इंडस्ट्रीज, खा गा टाटा ग्रुप और घा भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है LIC। भारत की सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने भारतमाला परियोजना के लिए वर्ष 2024 तक 1,25,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की है। LIC कंपनी इस परियोजना के लिए साल भर में 25,000 करोड़ रुपए और 5 वर्ष में 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, पेटीएम ने जल्द लोन कारोबार शुरू करने के लिए किससे साझेदारी करने की घोषणा की है? बैंक ऑफ इंडिया से की है, भारतीय स्टेट बैंक से की है, क्लिक फाइनेंस इंडिया से की है या वर्ल्ड बैंक से की है? तो उसका जो राइट आंसर है वो क्लिक फाइनेंस इंडिया से की है। मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम ने जल्द लोन कारोबार शुरू करने के लिए क्लिक फाइनेंस इंडिया में से साझेदारी करने को कहा। इसके तहत MSME और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को लोन बांटा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच मेघालय के अमरोही में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? तो उसका ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है वियतनाम। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। भारत और चीन की सेनाओं के बीच मेघालय के अमरोही में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत और चीन के 100 से 120 सैनिकों को शामिल किया जाएगा। इससे पहले दोनों देशों के बीच 2018 में चीन के चेंगड़ी में युद्ध अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, भारतीय सेना प्रयुक्त प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना की पैराशूट रेजिमेंट में 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए अनुमति दे दी है? तो ऑप्शन का है सचिन तेंदुलकर को, ऑप्शन का है महेंद्र सिंह धोनी को, ऑप्शन का है विराट कोहली को और ऑप्शन का है रोहित शर्मा को। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है महेंद्र सिंह धोनी। तो भारतीय टीम के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने प्रादेशिक सेना की पैराशूट रेजिमेंट में 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए अनुमति दे दी है। धोनी अभी प्रादेशिक सेना की पैराशूट रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के लिए अंतिम एनआरसी जारी करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 कर दी गई है? ऑप्शन का केरल के लिए, ऑप्शन का असम के लिए, ऑप्शन का गुजरात के लिए और ऑप्शन का पंजाब के लिए। तो उसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है असम के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने असम राज्य के लिए अंतिम एनआरसी जारी करने की समय सीमा 31 जुलाई 2019 से एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से केंद्र सरकार और असम सरकार को काफ़ी हद तक राहत मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, चीन के सबसे विवादित और कुख्यात प्रधानमंत्री ली पेंग का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका ऑप्शंस है 82 वर्ष की आयु में, ऑप्शन का है 88 वर्ष की आयु में, ऑप्शन का है 90 वर्ष की आयु में और ऑप्शन का है 94 वर्ष की आयु में। तो इसका जो राइट आंसर है, जो चीन के जो सबसे विवादित और कुख्यात प्रधानमंत्री ली पेंग का जो निधन हुआ वो 91 वर्ष की आयु में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, चीन के सबसे विवादित और कुख्यात प्रधानमंत्री ली पेंग का हाल ही में चीन के बीजिंग में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कई समय से बीमार थे। उन्होंने वर्ष 2001 में कम्युनिस्ट राष्ट्र की संसद की एक स्थायी समिति के अध्यक्ष के तौर पर भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, इनमें से किस क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मानी को आईसीसी की प्रभावशाली वित्त और व्यावसायिक मामलों की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को, ऑप्शन का श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को, ऑप्शन का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को। तो उसका जो राइट आंसर है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एहसान मनी को आईसीसी के प्रभावशाली वित्त और व्यावसायिक मामलों की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अन्य अधिकारी सलमान नसीर को आईसीसी के सेफ गार्डिंग पैनल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अपने देश के पूर्व खिलाड़ियों के हित की देखभाल के लिए किस क्रिकेट बोर्ड ने आईसीए को मान्यता दी है? ऑप्शन का है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन का है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन का है हांगकांग क्रिकेट बोर्ड और ऑप्शन का है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। तो उसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने पूर्व खिलाड़ियों के हितों की देखभाल के लिए भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता दी है। बीसीसीआई ने कहा है कि इस आईसीए का कार्य पूर्ण पुरुष व महिला भारतीय क्रिकेटरों के हितों की देखभाल करना है। फ्रेंड्स जैसे ये जो हम करंट अफेयर्स आपको डे बाय डे देते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अगर रेलवे एनटीपीसी एसएससी और जितने भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये आपके लिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाले टाइम के नोटिफिकेशंस मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और जैसे कि मैं इस क्वेश्चन के इस करंट अफेयर्स के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, हर वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसका आंसर भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा क्योंकि ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको प्रीवियस डे के करंट अफेयर में करा चुकी होती हूँ। तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा और हमें पता चलेगा कि आपको ये कितना याद है, तो आपके एज अ रिविज़न के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, कर्ज में डूबी महिला चुई सून फैशन आइकन बनने के साथ किस देश की सबसे बुजुर्ग मॉडल बन गई हैं? ऑप्शन का जापान की, ऑप्शन का ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन का चीन की, ऑप्शन का दक्षिण कोरिया की। तो उसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है दक्षिण कोरिया के। जो कर्ज में डूबी हुई 77 वर्षीय चुई सून ने मॉडलिंग की शुरुआत की है और हाल ही में वे फैशन आइकन बनने के साथ दक्षिण कोरिया की सबसे बुजुर्ग मॉडल बन गई हैं। सियोल फैशन वीक में रैंप वॉक करने के बाद चोई चर्चा में आई थी।
तो ऑप्शन फ्रेंड्स ये थे हमारे यहाँ से करंट अफेयर क्वेश्चन, और जैसा कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, पैन इंडिया पार्टनरशिप के तहत किस कंपनी ने हुआई के स्मार्टफोन को बेचने के लिए करार दिया, तो ऑप्शन का एसटीसी, ऑप्शन का सैमसंग, ऑप्शन का माइक्रोमैक्स, ऑप्शन का शोवमी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू।